हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। स्टार एजुकेशन आप सभी का स्वागत करता है। तो दोस्तों, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के अंदर जो आपकी पैरामेडिकल की भर्ती है, उसका जो फर्स्ट पेपर है जिसके अंदर 50 क्वेश्चंस आएंगे, कितने आएंगे? 50 क्वेश्चंस। तो हम उसकी तैयारी शुरू करवा रहे हैं। पहले 100 स्टूडेंट को लिए दोस्तों हमारा 4000 का कोर्स मात्र 2000 रुपये में। कितने रुपये में? 2000 रुपये में। ये अभी सबसे भारी छूट चल रही है। अगर आप इसको लेना चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं। नीचे आपको जैसे ही जो भी विद्यार्थी कॉल करेगा उनके लिए हमारी टीम बिल्कुल सपोर्ट करेंगी। व्हाट्सएप नंबर है, वो भी आप मैसेज कर दीजिए और संपूर्ण जानकारी आपको देने वाली है। इसके अंदर आपके 50 तो सबसे पहले पेपर सेट होंगे। क्या होंगे? पेपर सेट, या इसे मॉडल पेपर भी कह सकते हैं। तो 50 इंटू दोस्तों 50 क्या हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ पर 200, ये तो आपको कितने एमसीक्यू पेपर सेट, आपकी रैंकिंग क्या रहने वाली, कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। उसके बाद में 100 पीडीएफ, क्या है? पीडीएफ, 100 पीडीएफ आपको मिलेगी इसके अंदर। और दोस्तों टॉपिक्स वाइज वीडियो है, टॉपिक्स वाइज जो पेपर सेट है, जो आपको प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग की, मैथ के टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक्स वही है, उनकी प्रैक्टिस सेट के लिए टॉपिक्स हैं, कुछ वीडियो भी होंगे, वो पूरी हम आपको जानकारी देंगे। तो पहले 100 स्टूडेंट के लिए ये सबसे बड़ा मौका है। अगर जो भी स्टूडेंट इसे लेना चाहिए तो दोस्तों पैरामेडिकल ओनली फॉर 100 स्टूडेंट के लिए, और गारंटी कहते हैं हम, 100% गारंटी कहते हैं दोस्तों, आपका जो स्कोर है 40 प्लस हम करवाएंगे आपको। क्या है? 40% हम आपको करवाएंगे नए सिलेबस के आधार पर। जिसका फिजिकल हो रखा है वो कमेंट जरूर करें, और आपको अगर कोर्स लेना है दोस्तों तो भी कमेंट जरूर करें। तो चलिए आज हम रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देखिए, निम्नलिखित वेन आर्गो में से कौन सी संख्या उन शिक्षकों को दर्शाती है? तो दोस्तों सबसे पहले जो त्रिभुज के अंदर है ये आपके क्या है? शिक्षक है। क्या है? शिक्षक है। जो व्यवसाय, अब व्यवसाय ये आपका देखिए व्यवसाय है, और रोटी क्लब, दोस्तों रोटी क्लब का मतलब गोल है। अब सभी में कौन आता है? तो सभी में केवल आता है 5 आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका? 5 आपका राइट आंसर है। क्या है? 5 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी सांकेतिक भाषा के अंदर PAT, जू और सिम, अब देखिए ये, देखिए ये दूसरा बन गया और यहाँ पर ये तीसरा, तीन तो आपके क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चंस के उत्तर देखिए, ये आपका पहले का उत्तर है, उसके बाद दूसरे का उत्तर ये, और तीसरे का उत्तर ये है। अब पूछा है गुड का, तो दोस्तों इसमें देखना है, देखिए पहले वाले, ये आपका पहला है, इस पहले भाग है, और ये आपका दूसरा भाग है। इसमें सेम क्या मिल रहा है? देखिए इसमें मिल रहा है सिम, इसमें भी क्या मिल रहा है? सिम। अब देखिए इसमें क्या? मैंगोज, इसमें मैंगोज। तो SIM, सिम का मतलब क्या है? MANGOES, मैंगोज। अब दूसरा देखिए, ये जो तीसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है। अब तीसरे स्टेप में पहले स्टेप को और दूसरे स्टेप को और तीसरे स्टेप को ले लीजिए, क्या सेम हो रहा है? इसमें देखिए TIM और TIM, इसी के अंदर क्या हो रहा है? TIM हो रहा है, इसी के अंदर TIM, तो TIM। अब देखिए TIM, तो देखिए इसमें देखिए एंड स्वीट, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वीट्स हैं, तो इसका मतलब क्या है? SW स्वीट्स, क्या हो जाएगा? स्वीट्स। अब देखिए पीछे बजाए, अब जो आपका थर्ड ऑप्शन है, थर्ड को फर्स्ट में ले जाइए। देखिए थर्ड और फर्स्ट में क्या क्या है? ZOO। अब इसमें देखिए इसमें गुड्स है और इसमें क्या है? गुड्स, दोनों कॉमन है। तो दोस्तों ZOO का मतलब क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुड्स आपका राइट आंसर है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जू का मतलब क्या होता है? गुड्स होता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अलग अलग कूट भाषा दे रखी है, अलग अलग जो आपकी जो कूट भाषा दे रखी है, इस कूट भाषा के अंदर जो नीचे शब्द दे रहे हैं, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक आपका समाप्त होता है। देखिए प्लस का मतलब क्या होता है? 8 होता है। क्या होता है? 8। तो देख लीजिए प्लस का मतलब 8। गुणे का मतलब क्या होता है? 5। तो गुणा का मतलब क्या हो रहा है? 5 हो रहा है।
समझ में आ रहा है। अब देखिए वी का मतलब क्या हो रहा है, ये जो वी है इसका मतलब क्या हो रहा है, चार हो रहा है, चार। तो प्रश्न देखिए आपका, देखिए बाकी सभी मिलेंगे तो नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो गया। दोस्तों समझ में आना जरूरी होता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से जो हमने सेम क्वेश्चन से जी वी पी एस वाई का मतलब, स्कूल का मतलब क्या है, अलग अलग कोडिंग दे रखी है। और यहाँ पर देखिए अलग पी का मतलब क्या होता है, एक दो तीन, एक दो तीन, पी का मतलब यहाँ पर दोस्तों ये देखिए पहला ऑप्शन कट गया, ये पी का मतलब है। अब देखिए इसके अंदर, अब देखिए पहला अक्षर हो गया, अब और दूसरा अक्षर ले लेते हैं, दूसरा अक्षर एस का मतलब क्या है, पी के बाद में एस, तो इसके बाद में क्या आ रहा है, ए, क्या हो रहा है, ए आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया। अब वाई का मतलब क्या है, थीटा, वाई का मतलब इसे बोलते पाई, बोलते क्या बोलते पाई, तो वाई सबसे अंत में, पाई, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। समझ में आ गया दोस्तों, समझना आना बहुत जरूरी होता है। चले देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अहमद हमीर से बड़ा है। दोस्तों प्रश्न आप देखेंगे, इस प्रश्न को आप देखेंगे कि हमीद से बड़ा है, तो दोस्तों यहां मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूं, देखिए यहां पर मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूं, हमीद हमीद से बड़ा कौन है, अहमद, कौन है, अहमद है। समझ में आ गया। अब दूसरी लाइन बोले, रवि है राकेश के बराबर, तो यहां पर मैं लिखूंगा राकेश, और राकेश की बराबर कौन है दोस्तों, रवि है, राकेश के बराबर कौन है, रवि है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आनंद है शशि से छोटा है, देखिए आनंद है यहां पर लिख लीजिए, शशि से क्या है, शशि, शशि से छोटा कौन है, आनंद है, शशि से छोटा कौन है, आनंद है, कौन है, आनंद, यहां पर समझ में आ गया, ये हो गया आपकी शशि, शशि से छोटा आनंद है, जो राकेश के बराबर है, जो कौन दोस्तों यहां पर आप देखेंगे, जो कौन है, जो कौन है दोस्तों, जो का मतलब यहां पर दोस्तों शशि के बराबर है, शशि के बराबर है। अब देखिए राकेश के बराबर है, तो यहां पर देखिए आपका क्या आ जाएगा, शशि आ जाएगी, क्या आ जाएगी, शशि, शशि के बराबर, और यहां पर क्या आ जाएगा, आनंद। अब पूछा है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा दोस्तों कौन सा है, अहमद, सबसे छोटा कौन सा है, आनंद, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, सी हो गया, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। और देखिए प्रश्न, देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, इनमें से अलग पूछा गया है कि अलग कौन सा है। अब आप अलग कैसे करेंगे दोस्तों, रीजनिंग आप एक प्रकार के नहीं 10 प्रकार से लगा सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट्स कर दीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है और व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देना, जो आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं ना, इस व्हाट्सएप मैसेज को मैसेज कर देना है। इसमें अलग पूछा है कि अलग कौन सा है, ये पूछा है। चलिए देखिए दोस्तों, एक नंबर एक सवाल 100% कोई भी परीक्षा लो, एक नंबर यहां से आपका पक्का आएगा। पैरामेडिकल जो हेड कांस्टेबल होता है, इनमें एक सवाल होता है, और ऐसे प्रश्न कैसे करना, कुछ भी नहीं करना है, काउंट करना है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, क्लियर हो गया। इसमें संख्या कितनी है दोस्तों, 20 है, 20 है, तो 5-5 के टुकड़े बनाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आपका 3 और यहाँ पर देखिए 5 का टुकड़ा। अब आप देखेंगे दोस्तों 5 के टुकड़े के अंदर ए आ रहा है, यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पर 5 हो गए, 3, 2, 5, 1, 2, 3, ये 5 यहाँ पर देखिए, 5 देखिए यहाँ पर देखिए, 3, 2 यहाँ पर आ रहे हैं, 5। अब आराम से हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले ए से शुरुआत है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, फिर यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर देखेंगे दूसरी संख्या है, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी कुछ नहीं, यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा, और यहाँ पर बी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब देखिए देखिए ए डबल बी, उसके बाद में खाली जगह है, सी आ रहा है, ए है, उसके बाद देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ए है, उसके बाद में बी है,
अब देखिए अब यहाँ पर क्या आएगा, सबसे अंत में देखिए यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर भी सी आ जाएगा और यहाँ पर भी सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब देखिए आपका बन गया है ए बी बी खाली जगह सी, ये देखिए पाँच बन गए। अब इसके नीचे देखिए ए बी बी खाली जगह सी बन गया, क्या बन गया सी। अब वापस देखिए ए बी 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 सी बन गया, कहने का मतलब ये देखिए सी बन गया, ये आपका पूरा आ गया। तो यहाँ पर भी क्या आएगा बी, यहाँ पर भी क्या आएगा बी आएगा। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे आपका बी, उसके बाद में देखेंगे फिर बी, उसके बाद देखेंगे फिर ए। अब देखिए ये किस में, ये देखिए यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, समझ में आना चाहिए प्रश्न को, और 100% एक प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर इस प्रकार से पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ब्लड रिलेशन का टॉपिक्स है, ब्लड रिलेशन का टॉपिक्स है, अच्छा प्रश्न है, पढ़िए कहते क्या है और प्रश्न कहता क्या है, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे प्रश्नों का उत्तर आपको करना है। चलिए देखिए, माया ने बताया वैशाली के पिता, अब दोस्तों यहाँ पर वैशाली है और वैशाली, वैशाली के पिता विनय, कौन है विनय, विनायक, विनायक, मेरे ससुर, कौन बोला माया, दोस्तों माया और माया का ये पति, ठीक है पति, पति का पिता, देखिए ससुर विश्वनाथ, कौन आएगा यहाँ पर विश्वनाथ, 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 विश्वनाथ का एकमात्र पुत्र है, कौन है दोस्तों, ये जो विनायक, विनय, कौन है विनायक, तो देखिए विनायक, तो विनायक, विनायक के नीचे क्या आ जाएगा वैशाली, क्या आ जाएगा वैशाली। अब देखिए जो वैशाली की बहन, दोस्तों ये वैशाली की बहन विश्वनाथ के किस प्रकार, विश्वनाथ कौन सा है ये वाला, दोस्तों कहने का मतलब है ये दोनों, इसका क्या हो गया, अब देखिए ये वैशाली है, वैशाली का वैशाली, वैशाली के पिता का नाम विनय और विनय के पिता का नाम क्या है विश्वनाथ, तो दोस्तों ये क्या हो गए दादा और पोती हो गए, क्या हो गए दादा और पोत्री। अब पूछा है पोती कह सकते हैं, पत्नी नहीं पोती या पोत्री, तो देखिए ये इसका राइट आंसर किया जाए पोत्री, तो इसमें दादा ऑप्शन नहीं है, पूछा गया विश्वनाथ से, तो विश्वनाथ से इसका क्या संबंध हो जाएगा पोती, पोती हो जाएगा, क्या हो जाएगा पोत्री आपका राइट आंसर है, समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों देखिए इसके अंदर पूछा क्या गया, वेन आरेख से संबंधित है, वह आरेख चुनिए जो कॉलेज व छात्रों के गायन, दोस्तों ये कॉलेज है दोस्तों, कॉलेज, कॉलेज के अंदर गा सकते हैं, कॉलेज के छात्र गायक हैं और नृत्य भी हैं, कॉलेज के छात्र गायक हैं और नृत्य हैं। तो दोस्तों अब देखिए इसमें किस प्रकार से आपको करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पर देखिए, आप कहेंगे सर ये देखिए आप ये सही है नहीं, देख सबसे पहले मैं आपको लूँगा, ये मेरे पास छात्र है, क्या है कॉलेज के छात्र हैं, छात्र है। अब दोस्तों जो छात्र होते हैं कुछ छात्र क्या करते हैं गाते हैं, गायक है, और कुछ छात्र मेरे पास क्या है नृत्यक है, क्या है नृत्यक। अब दोस्तों अगर मैं ये डायग्राम बनाता हूं तो क्या ये डायग्राम बन सकता है दोस्तों, अब इसमें ये भी हो सकता है, देखिए कुछ छात्र मेरे पास हैं, कुछ मेरे पास गायक है और कुछ मेरे पास दोनों है, ऐसे अगर आपसे डिफेंट सवाल पूछे, छात्रों से संबंधित सवाल पूछे, तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है कुछ भी नहीं करना है, आंखें बंद कर लेनी है और उत्तर आपका जो सभी ये आएगा, क्योंकि आपका छात्र है, छात्र ये नृत्य भी करता है, ये जो छात्र क्या कर नृत्य भी करता है और छात्र भी है। अब दोस्तों मेरे पास 100 विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थियों में से मेरे पास 25 विद्यार्थी को क्या है गायक करते हैं, 25 विद्यार्थी नृत्य करते हैं और 50 दोनों करते हैं, यस, तो इसका डायग्राम क्या बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, क्या बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देखिए मेरे पास में जैसे मेरे पास 40 छात्र हैं, 40 छात्रों में से 10 छात्र तो मेरे पास गायक हैं, 10 छात्र पास नृत्यक है और 20 हैं दोनों करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आ जाएगा 20 आ जाएगा, यहाँ पर 10 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा, क्लियर हो गया ना,
इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, ये जो कोडिंग वाला सवाल है जो मैंने आपको कोडिंग करवाई है, ये कोडिंग आपको देखनी है और इन ऑप्शन नंबर प्रश्न का उत्तर देना है। बहुत अच्छी कोडिंग है, कोडिंग को देखिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। समझ में न आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।